हाय गाइज, कैसे हो तुम लोग एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट मिनट सजेशंस फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ऑफ सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जाम, जिसमें यार आज हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट दी लाइक पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, शुद्ध हिंदी में बात करो तो तुम भौखलाए हुए बैठे होगे, ठीक है। क्या अभी भैया हमको जो ना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अगर देखा जाए तो ढंग से तैयारी नहीं की है, ठीक है। लेकिन मैं यार तुमको एक छोटी सी बात बताऊँ, अभी जो चीज़ जिस चीज़ में तुम हो ना, तुम सेमेस्टर वन से सही कंडीशन में हो। कैसे भैया? वहाँ तो लाइक एमसीक्यूज होते थे हमारे पास, चार ऑप्शन में से कुछ एक लाइक टिक करना होता था। भाई ये बेटर है, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस का आंसर करना था, ग्रामर पोर्शन था, वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। या तो तुम पूरा स्कोर लाइक कर सकते थे या फिर करते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट इतना है कि अगर तुम थोड़ा बहुत भी अभी लिखने की प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें भी सीख लेते हो, तुम एटलीस्ट लिख तो सकते हो ना। कल के दिन कुछ भी लिखोगे और थोड़ा बहुत लिखोगे तो कुछ तो स्कोर करोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि यार अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर तुमने प्रिपरेशन करी है देन दिस वीडियो इज़ लाइक जो कि तुमको बता देगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ यार देखो, अगर तुमने प्रिपरेशन करी भी और इफ़ यू जस्ट डोंट नो अबाउट दी टाइम मैनेजमेंट, कैसे करना है टाइम को मैनेज, तो या फिर क्या ही कर दोगे। आ रहा है समझ में? तो अभी इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात कर रहे होंगे दैट हाउ यू कैन बेसिकली लाइक तुम कैसे जो ना पूरा पेपर मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी फिलहाल में जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे फॉर्मेट्स, ग्रामेटिकल पोर्शन है। नहीं, फायदा यही है भाई कि अगर तुम्हारा 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें से 2 से 3 मार्क्स तो तुम्हारे फॉर्मेट पर जो है ना डिपेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 से 7 मार्क्स तुम्हारे जो है ना कंटेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर तुमने एक 3 लाइन या 4 लाइन का फॉर्मेट जो है ना याद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से बात इतनी है कि तुमने देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन मिला करके कलेक्टिवली 10 मार्क्स तो इधर ही से सेव कर दिए, ठीक है। तो फॉर्मेट्स को अभी एक बार अच्छे तरीके से देख लो। लेटर में तुम्हारे दोनों ही तरीके के लेटर जो आने हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी लेटर्स हैं, इनके फॉर्मेट्स को अच्छे तरीके से बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ठीक है। कैसे कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में अभी लाइक इस समय पे पूरे अच्छे तरीके से जो है ना छपी होनी चाहिए। उसके बाद जो ना तुम्हारा लाइक ईमेल कैसे लिखनी है, नोटिस कैसे लिखना है, ये सारी चीजों की। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यार, तुमको जो ना पेपर से पहले जो तुम्हारा लाइक एक 90 मिनट्स का राइटिंग टाइम है, उससे पहले एक 10 मिनट्स का जो ना तुम्हारे पास एक रीडिंग टाइम है, तो ये जो ना एक गोल्डन माइन है। कैसे भाई? देखो ये जो ना इसका तुम लाइक ये समझ लो कि बेसिकली इसका तुमको एक्सेस कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, ये जो 10 मिनट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अपन को हर एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, अपन को क्या करना है, वो चीज़ों पर ध्यान देना है कि जिसमें हमारा टाइम लाइक बेसिकली सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। एज ऑफ अ स्टूडेंट आई जस्ट नो अबाउट इट, क्योंकि मैंने भी कुछ 1-1.5 साल पहले जो ना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम लिखा है, ठीक है, प्री बोर्ड्स वगैरह लिखे हैं, तो आई जस्ट नो अबाउट इट लाइक बेसिकली कि होता क्या है। देखो जब आप ये ऐसे वगैरह लिखने में चाहते हो ना, तो आप क्लियर नहीं होते कि आपको लिखना क्या है। शायद से तुम एक पेज लिखोगे और उसके बाद जो ना काट करके अब तुम दूसरे पे शुरू हो गए, तो जो तुमने एक पेज लिखा उसमें दिक्कत नहीं है, जो तुमने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया वो तो गया ना। तो हमको अभी जो ये 10 मिनट है ना, हमको इसमें एक चीज़ इंश्योर ये करनी है दैट कौन सा ऐसे लिखना है। वहाँ पर 4-5 जो है ना तुम्हारे पास ऐसे होंगे, हर एक अपने ही डिफरेंट तरीके का ऐसे होगा, तो तुमको डिसाइड ये करना है कि बेसिकली हमको लिखना कौन सा है, हमको लिख करके आना कौन सा है। हमको ये 5 मिनट में डिसाइड कर लेना कि यार इस वाले टॉपिक पर जो है ना मैं अभी सबसे ज़्यादा सोच पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ टाइम तुमको लिखने में दिक्कत नहीं आने वाली, तुम उस पर क्रिएटिवली सोच कितना पा रहे हो, ये बात है, ठीक है। उस पर क्रिएटिवली तुमने सोचा कितना है, हर एक चीज़ की कितनी है, उस पर जो ना लाइक सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर से तुमको ये देख लेना है दैट किस टॉपिक पर तुम लिखोगे। उसके बाद जो ना तुमको सेम लाइक लेटर के लिए डिसाइड करना है, लाइक कर लेना है कि तुम फॉर्मल करने वाले हो इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल में बात इतनी है, इट जस्ट डिपेंड्स कि तुम किस तरीके से आज तक लिख करके आए हो। फॉर्मल में तुमको थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, इनफॉर्मल में थोड़ी सी कैजुअलिटी अलाउड होती है, तुम अपने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मल में स्ट्रिक्टली तुमको जो ना थोड़ा सा लाइक डिसिप्लिन मेंटेन करके लिखना हो रहा होता है। सो इट इज सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड कि अगर तुम इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो तो इनफॉर्मल के साथ ही आगे बढ़ना। पैटर्न उसके देखो, पैटर्न जो है ना हमको दोनों के बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में छपे होने चाहिए। सो लाइक इफ इन केस तुमको फॉर्मल अच्छे तरीके से उस समय पर आ गया, तो तुम्हारे साथ ये चीज़ ना हो जाए कि हमको भैया पैटर्न ही नहीं आता, हम क्या कर लें हम, ठीक है। तो पैटर्न दोनों के इक्वली अच्छे तरीके से आने चाहिए, बट द पॉइंट इज इनफॉर्मल मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी सी कैजुअलिटी अलाउड है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब उसके बाद बेसिकली राइटिंग टाइम की बात करें, जो 90 मिनट्स हैं अब इनकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर से एक चीज़ सुनो। देखो यार, तुम्हारी ये एक सबसे बड़ी भला है, जैसे मैंने बताना, सोचना भी अकेली बात नहीं है, लिखना भी है। फिर तुमने 10 टॉपिक्स जो ना लाइक बेसिकली तुमने 10 ऐसी चीज़ें डिसाइड करनी कि मैं किस पर लिखने वाला हूँ, बट द पॉइंट इज उन पर लिखोगे क्या, है ना। तो ये लिखने के लिए तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई साहब मेरे पास टाइम अच्छा खासा हो। 90 मिनट्स में से 40 मिनट्स नो डाउट एटलीस्ट आपको कॉम्पोजिशन के लिए निकालने हैं, एटलीस्ट, ठीक है। 40 मिनट जो है ना तुम अपने लाइक लेकर के निकाल लो और सबसे पहले इसी पर बैठ जाओ। तुमको लोग सजेशन देंगे कि बाद में बैठो। देखो यार, ऐसा होता है ना, जब तुम पेपर लिखते जाते हो
तो चीज़ ऐसी होती ना कि तुम्हारे बाय टाइम थोड़ी सी स्पीड कम होती जाती है, ठीक है। पहले वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, हम जल्दी जल्दी करते हैं, फिर बीच में हमारी स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस से जैसे ही तुम्हारे पास कम समय होता है तो बहुत तेज़ी तेज़ी में लिखते हो, ठीक है। तो वो ग्राफ इट लाइक मूव्स लाइक दिस, समझ रहे हो, वो ऐसे तरीके का एक काइंड ऑफ ग्राफ है जहाँ पर तुम पहले तेज तेज लिखोगे, फिर तुम जरा धीमे धीमे लिखोगे, फिर वापस से तेज लिखने लगोगे। सो इट इज़ सजेस्टेड पहले ऐसे को करो। देखो ऐसा क्या होगा, जब तुम लिख रहे होगे ना, बेसिकली यहाँ पर तुम थोड़े से हाइपरटेंसिव स्टेट में होते हो, ज़्यादा जल्दी सोचोगे, ज़्यादा जल्दी इंप्लीमेंट करोगे, ऐसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बाद के लिए छोड़ोगे तो दिक्कत होगी, दैट्स फॉर श्योर, और ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम बीच में टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सो इट इज़ सजेस्टेड पहले जा करके हमको जो ना लाइक जिस चीज़ में हमको ज़्यादा टाइम लगना है उसको पहले निपटा लो, कॉम्पोजिशन को पहले निपटाओ, जो भी चीज़ है उधर ही उधर उसको लाइक बस मार डालो, कत्ल करो, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अगर तुम आगे बढ़ते हो तो अब तुम्हारे पास जो लाइक तीन चीज़ें बच रही हैं, लेटर राइटिंग है तुम्हारा, और उसके बाद जो ना लाइक ईमेल एंड नोटिस है। इसमें जो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि लेटर एंड लाइक लेटर राइटिंग में फिर भी एक पेज लिखना है, ईमेल और नोटिस टोटली ऑन लाइक समझ लो वो पूरा बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो हमको एक चीज़ ट्राई देना है कि हम उसके बाद यार जैसे ही तुम्हारा कॉम्पोजिशन होता है, इट इज़ अप टू यू, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, तुमको क्या करना है, कॉम्पोजिशन पहले हो जाए बस, तो उसके बाद जो ना तुमको बेसिकली लेटर राइटिंग या फिर जो ना नोटिस और ईमेल पर जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो ना बेसिकली तुम्हारे लाइक जिस भी चीज़ को पिक कर रहे हो उसको आराम से करेंगे। टाइम मैं बता दे रहा हूँ, लेटर राइटिंग विद इन 20 मिनट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, विच इज़ आई गेस लाइक बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो तुम्हारी 8-10 लाइनें होती है वो लाइक वो समझ रहे हो ना, तुम्हारे एड्रेस वगैरह में, हर एक सब्जेक्ट बताने में, सैल्यूटेशन वगैरह में, उसके बाद एंड वाली लाइन भी जो ना वो थोड़ी सी लाइक फिल्ड रहती हैं, उसका जो इनर कॉन्टेंट रहता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा मैटर डिपेंड करता है। उसमें मुश्किल से तुमको 8-10 लाइनें लिखनी है तो लाइक 15 मिनट्स इज लाइक मोर देन एनफ। उसके बाद बेसिकली आगे बढ़ोगे तो अब तुम अगर बात करते हो ईमेल एंड नोटिस की, तो तुमको एटलीस्ट 25 मिनट देना है कलेक्टिवली। अब जिसमें भी किसी में 10 में लग गए, 12 लग गए, डिपेंड्स, राइट। मैं इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता हूँ, लाइक मैं भी नहीं बता सकता हूँ, शायद से तुमको कॉम्पोजिशन में ही जो है ना लाइक 45 मिनट लग गए, तो यहाँ पर से 20 मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज एंड में एट लास्ट 5 मिनट निकाल लेना रिवीजन के। अब कोई ये नहीं बताएगा भैया इंग्लिश लैंग्वेज में रिवाइज क्या करना है, मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली हमसे स्पेलिंग एरर्स होती है, तो तुमको ज़्यादा तो लिखना नहीं है, ये चीज़ तुम समझ चुके हो। लाइक तुमको मैक्स टू मैक्स कितना करना है, बहुत सब तुम्हारा 5-6 पेज का लाइक आंसर शीट बन रही होगी, पूरा अच्छे से एनालाइज कर दो, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, बेमतलब का हाफ मार्क्स कट जाए, क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करनी। तो उससे बेटर ये है स्पेलिंग्स को चेक कर लो, अपने आप में सूरमा मत बनो, ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें सही रहती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर कोई तुमको ऐसा लगता है कि तुमने एक बार एटलीस्ट, मैं सजेस्ट करूंगा उतना, फिर उस पर जो ना कॉम्पोजिशन पर ध्यान मत देना, उसके बाद तुम ध्यान देना कि कहीं फॉर्मेट में दिक्कत तो नहीं आ गई, क्योंकि कॉम्पोजिशन में तुम बाय टाइम कुछ भी काट ही पाओगे, एडिशनली लिख तो पाओगे नहीं। बट द पॉइंट इज अगर फॉर्मेट में कोई भी दिक्कत आती है तो तुम वहाँ पर थोड़ा बहुत कर कराकर जो है ना थोड़ा बहुत लाइक ओवरराइडिंग करके चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि साइड में जो ना लाइक समझ लो चीज़ें होती हैं लिखने के लिए, जगह होती है, तो वहाँ से जो है ना ये सारी चीज़ों को तुम देख सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा अगर हम बात करें लाइक जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ को आंसर करना है उसमें क्या चीज़ें ट्राई करनी है। देखो लेटर की जब बात करते हैं तो तुमको जो ना प्रिसाइज एंड टू द फॉर्मेट लेटर लिखना है, प्रिसाइज इन द सेंस, देखो लेटर इज़ नॉट समथिंग जो कि तुम एक लव लेटर लिख रहे हो, ठीक है, कि तुमको जितनी दिल में भावनाएं आ रही हैं सभी प्रस्तुत कर दी हैं, ऐसा वाला सीन नहीं होता है। लेटर में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, तो बस वही बताओ, ठीक। अगर तुमको ऐसा कोई अपनी मम्मी को लेटर लिखना है कि भाई साहब मैं मेरे लाइक ये डिसीज से मैं भी जो ना सफ़र कर रहा हूँ एंड आई वॉन्ट कि आप मेरे हॉस्टल में आ जाओ, तो उतनी बात बताओ, ये नहीं बताओ कि मेरे साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, जो नहीं बोला गया उसको नहीं लिखना, ठीक है, इसमें प्रिसाइज लिखना है, टू द फॉर्मेट लिखना है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली ईमेल एंड नोटिस की बात करें तो यहाँ से भी जो ना तुमको लाइक 1-2 लाइन की स्टेटमेंट्स लिखो, ऐसा भी नहीं आप तुम्हारे को जो ना एड्रेस लिखना है बोला गया तुमने 6 लाइन में एड्रेस लिख रहे हो, ये बेवकूफ़ी है, ये तुम्हारे एक तरीके से जो है ना फॉर्मेट को भी डिस्टर्ब कर रही है, तो इस चीज़ पे भी कहीं पर भी जो ना लाइक समझ लो कोई दिक्कत ना है, तो ये चीज़ भी तुमको एंश्योर करनी है एट लास्ट। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं तुमको बता दूं, ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इसमें तुमको एक और चीज़ जो देखते हुए चलना है कि हाँ ठीक है भैया, ईमेल एंड नोटिस है, हमको स्टेटमेंट लाइक पैटर्न हमारा ना बिगड़े, समझ लो। अच्छा, उसके बाद अब ऐसे पे आते हैं, ऐसे भी अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ऐसे में क्या होता है ना, दिस इज समथिंग वो 45 मिनट में तुम पता नहीं क्या ही लाइक खुद को शायर समझने लगते हो, या फिर तुम अपने आप को एक बहुत बड़ा कवि समझने लगते हो, बहुत बड़ा स्टोरी राइटर समझने लगते हो, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है। हमको ज़्यादा ही फिक्शनल नहीं होना है, हमको थोड़ा सा एक चीज़ ट्राई करनी है। देखो हम क्या होते हैं ना, अपने एटिकेट्स ज़्यादा दिखाने लगते हैं, हम ये चीज़ अपनी ज़्यादा प्रस्तुत करने लगते हैं कि यार वी आर द वन जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा है, हमने आज तक ये नहीं जानते कि भाई साहब होता क्या है और होता क्या नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चे नहीं बनना है, तो तुम एकदम बार बार अच्छी चीज़ को बार बार रिपीट करो, नहीं। देखो सबसे पहली चीज़ शॉर्ट ऐसे हो, अगर 300 वर्ड बोला तो 300 वर्ड गाओ, ये नहीं है कि तुमको उनको खुश करने के लिए जो ना लाइक
समझ लो एक आध हज़ार वर्ड का ऐसे लिखा है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी। अच्छा उसके बाद अगर क्रिस्प हो, ठीक है, क्रिस्प कैसे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ हम लोगों को, अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि तुमको फ़ोन अवॉइड करना है, भाई तू खुद 10 घंटे फ़ोन लाइक यूज़ कर रहा था, अब तुम क्या ही ज्ञान दे रहे हो कि फ़ोन यूज़ ना करो या फिर करो तो लिमिटेड टाइम करो, इतनी बातें नहीं बतानी तुमको, बस इतना बताना है उसके अगर फॉर मैं बोल रहा हूँ तो क्या चीज़ें लिखनी है, और सेम वे अगर अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ तो पॉइंट के हिसाब से लिखो, ये नहीं कि तुम्हारे पहले वाले पॉइंट की चीज़ जो ना अभी लास्ट में आ गई, ये बेवकूफ़ी हमको नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली आंसर कट जाएंगे। अच्छा उसके बाद टू द पॉइंट ओपिनियन हो तुम्हारा, ठीक है, ये चीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ अगेन वही बात है कि भाई साहब आपका जो भी चीज़ है उसको बताओ साइड बाय साइड में क्या हो रहा है। नहीं, अगर तुमको जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो पहले वहाँ पर जाओ, बीच में पहले पाकिस्तान नहीं चले जाओ, सीधे उधर पर पहुँचो, आ रहा है समझ में, ग्रेट। अच्छा अब उसके बाद बेसिकली अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जो ना लाइक डिसेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हो, लेट से 5 से 6 पैराग्राफ्स इज लाइक मिनिमम भी है, डिसेंट भी है, बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो ना तुम्हारी बोल्ड द क्रिस्प लाइन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ तुम ऐसे नहीं समझोगे, बट यस अगर तुम्हारे 6 पैराग्राफ्स हैं, हर एक की स्टार्टिंग में एक बोल्ड लाइन बना लो कि यार हम जो भी एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ना, इससे क्या होता है एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन लीव होता है, तो यहाँ पर भाई तुम्हारी क्रश जो है ना वही होनी चाहिए, उस पर अच्छा इंप्रेशन लीव होगा तभी जो ना अच्छे से काम चल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से जो ना बोल्ड कर देना, जो भी तुम पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से बोल्ड कर दो, लाइक यस वी आर राइटिंग ऑन दिस एंड वी जस्ट वॉन्ट कि हम यहाँ पर से ही सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हूँ, जितना भी ये पैराग्राफ है दिस इज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड वी आर राइटिंग ऑन दिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से सारी आई चीज लाइक आए गए सारी की सारी चीज़ें जो ना लाइक क्लियर होंगी। मैंने इस वीडियो में तुम्हारा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया है, यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। मैंने बहुत क्रिटिकली और बहुत डेप्थ में जाकर के तुम लाइक तुमको समझाया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर में लिखना कैसे, पेपर का मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो अब बस यही सारी चीज़ें यार, इनको अच्छे से फॉलो करो एंड दैट्स ऑल। अभी जो ना दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड अवॉइड ऑल द थिंग्स, प्लीज़ अभी सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी नहीं होते तो भाई मैं तुमको एक बात बताऊं, अगर तुम सीरियस हो ही नहीं रहो तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा अभी नहीं तो कभी नहीं, भाई आप ऑलरेडी आपका जो ना चॉपिंग हो चुकी है, चॉपिंग समझते हो ना क्या होता है, तो बस इतनी सी बात है, प्लीज जस्ट नाउ गेट सीरियस अबाउट योर स्टडीज। यहां पर जो ना अगर तुम कहीं पर भी सोशल मीडिया पे जाओगे, अब लाइक स्टडीज़ के लिए जाओगे, कुछ भी हो कुछ ना हो, तुमको सिर्फ तो सिर्फ स्टडीज़ पर डिवोटेड रहना है एंड दैट्स ऑल। अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हसल हार्ड, सी क्यू पी।